हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मशरूम का सब्जी बनाने जा रही हूँ। मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया है। अब इसको मैं बॉईल करूँगी। बॉईल करके मैं इसका पानी निकाल दूँगी। ये अच्छे से बॉईल हो गया, मैं इसका पानी निकाल दूँगी। मैंने इसका पानी निकाल दिया और एक बार अच्छे से धो लिया है। कढ़ाई में तेल गरम करके मैं इसमें आलू को थोड़ा फ्राई कर लूँगी। हमें ये मशरूम की सब्जी बनाने के लिए ऑनियन चाहिए, टमाटर चाहिए और ग्रीन चाहिए। मैंने काट लिया है और अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डालूँगी। वो मेरा पहले से ही बना के रखा हुआ है, इसलिए मैं इसमें अब आलू डाल दूँगी। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू मेरा फ्राई हो गई है, मैं इसको निकाल लूँगी तेल से। अब मैं इसी तेल में गरम मसाला, जीरा, एक तेज पत्ता और दो रेड चिली डाल देंगे। थोड़ा कलर चेंज होने तक वेट करेंगे। गरम मसाला किसी भी खाने का टेस्ट बहुत बढ़ा देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज डालती हूँ। ऑनियन को हम छोड़ देंगे। इसको थोड़ा ब्राउन कलर करके हम फ्राई कर देंगे। अब देखते हैं इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, अच्छे से ये मेरा फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर। इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये भी मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, नमक एक चम्मच, हल्दी, थोड़ा किचन किंग पाउडर, क्यूमिन पाउडर एंड मैं कश्मीरी चिली इसमें यूज करूंगी। इसमें कलर अच्छी आती है और तीखा भी नहीं होती है। अब अच्छे से मसाला को मिक्स करनी है। हम इसमें दही भी ऐड करेंगे, इसके लिए मैं दही को फेंट लिया है अच्छे से। मसाला हमारा अच्छे से पक चुकी है। अब हम दही का ऐड करेंगे। अब हमें लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पका लेना है। मैं इसमें थोड़ा क्रीम भी डालूंगी, मेरा घर का दूध का क्रीम है ये। मैं क्रीम इसमें ऐड कर दूंगी दो चम्मच। जो नए फ्रेंड है, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसी में मैं मशरूम डाल दूँगी और ये मसाला के साथ ही मुझे अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। अब देख ही रही हो कितना अच्छा कलर आएगी। दही और क्रीम किसी भी खाने का टेस्ट बहुत इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा घर का क्रीम खाने में यूज करती हूँ। अब अच्छे से इसको फ्राई करना है। आलू भी ऐड कर दूंगी मैं। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है।
किसे ऐसा सूखा भी इंजॉय कर सकते हैं। रोटी या चावल के साथ मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी। अब मैं थोड़ा इसको 10 मिनट के लिए रख करके पका लूंगी। ये मेरा सब्जी बन चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला पाउडर डालूंगी और एक चम्मच घी डालूंगी। ये सब्जी मेरा सर्व के लिए एकदम तैयार है।